खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, यह एक ऐसा इंसान है जिसके बुलंद इरादों के सामने भगवान भी घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा इंसान है जो मानव जाति को पृथ्वी से परे अब मंगल पर बसाने जैसे अनोखे सपने देखता है और उसे सच करने के लिए अपनी पूरी कमाई दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। यह एक ऐसा इंसान है जो हवाई जहाज से दो गुना गति से चलने वाले भूमिगत कैप्सूल बनाना चाहता है। सिर्फ सपने देखना नहीं, अपने अनोखे सपनों को हकीकत में बदलना भी बखूबी जानता है। टेस्ला, जो आज इलेक्ट्रिक कारों में एक जाना माना नाम है, उसे बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय भी इसी इंसान को जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी के बारे में। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। उनकी माँ मे मस्क कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन ने बचपन से ही कई मुश्किलों का सामना किया। 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद उनके पिता ने ही उन्हें पाला। बचपन में अक्सर स्कूल के बच्चे इलॉन को परेशान करते थे और उनके साथ मारपीट भी करते थे। तीन भाई बहनों में सबसे बड़े इलॉन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया और 12 साल की उम्र में खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर इलॉन ने बेसिक कोडिंग पर आधारित एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे उन्होंने लगभग $500 में एक पत्रिका को बेचा और अपनी व्यावसायिक क्षमता का पहला परिचय दिया। बचपन में वो घंटों अपनी कल्पनाओं में कोई नया आविष्कार करने में मगन रहा करते थे और अक्सर दूसरों को अनसुना कर देते थे। इसी कारण उनके माता पिता उन्हें बहरा तक समझने लगे थे। हालांकि उन्हें बाद में ये सच पता चला कि इलॉन बहरे नहीं बल्कि उनका पूरा ध्यान अपनी कल्पनाओं में लगा रहता है। सन 1989 में 17 साल की उम्र में इलॉन साउथ अफ्रीका से कनाडा पहुंच गए। वहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस दौरान उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की। कनाडा में 2 साल पढ़ने के बाद इलॉन ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर करा लिया और वहां फिजिक्स में डिग्री ली। उसके बाद वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स में भी डिग्री हासिल की। 1995 में इलॉन ने कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी में दाखिला लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे छोड़कर अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपनी खुद की वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप 2 शुरू की, जो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड बनाने और उसकी मार्केटिंग का काम करती थी। 1999 में उन्होंने अपनी उस पहली कंपनी को $300 मिलियन से भी ज्यादा में कॉम्पैक को बेचा। इस डील से उन्हें लगभग $22 मिलियन की कमाई हुई। उसी साल उन्होंने $10 मिलियन का निवेश कर एक अन्य सह संस्थापक के साथ ऑनलाइन बैंकिंग साइट x.com को लॉन्च किया। सन 2000 में x.com अपनी प्रतियोगी कंपनी कॉन्फिनिटी से मिलकर पेपाल बन गई और 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा, तो इलॉन के हिस्से में तकरीबन $180 मिलियन आए। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस इंजीनियरिंग और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों में उनकी शुरू से ही खास रुचि थी और अब उनके पास इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए पर्याप्त पूंजी भी थी। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर की स्थापना के 1 साल बाद इस कंपनी में $70 मिलियन का निवेश किया और इसके सह संस्थापक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बने। उन्होंने कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर स्पोर्ट कार की डिजाइनिंग में अहम भूमिका निभाई। 2006 में उन्हें टेस्ला रोडस्टर डिजाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन अगले ही साल इस कार का प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इसकी बेचने की कीमत को लेकर समस्याएं खड़ी हो गईं।
इस वजह से कार का लॉन्च एक साल से भी ज्यादा समय के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। यह टेस्ला मोटर्स के लिए बहुत मुश्किल दौर था। इसी कठिन समय में इलॉन ने अपनी गहन प्रबंध कौशल का अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए रोडस्टर प्रोजेक्ट को अवरुद्ध करने वाले सभी लोगों को निकाल बाहर किया और खुद कंपनी की भागदौड़ संभाली। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी टेस्ला को बचाने के लिए इलॉन ने लगातार हर संभव प्रयास किए। उन्होंने अपनी तरफ से फंडिंग उपलब्ध कराने के साथ ही खर्चों को कम करने पर भी जोर दिया और स्टाफ कम करने, कुछ ऑफिसों को बंद करने के साथ ही सप्लायर से भी दाम कम कराए। उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि 2008 में टेस्ला रोडस्टर की रिलीज संभव हो पाई। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कारों में आज एक विशिष्ट पहचान बना चुका है, उसे बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय भी इलॉन को ही जाता है। और अब इलॉन ड्राइवर लेस कार बनाने के सपने को पूरा करने में लगे हैं। इलॉन मस्क की सोच दुनिया से कितनी आगे है, उसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष परिवहन की लागत को कम करके मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी स्थापित करने के अपने सबसे बड़े सपने को सच करने के लिए 2002 में इलॉन ने प्राइवेट एरोस्पेस निर्माता और स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी SpaceX की स्थापना की। इसी साल उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिली। SpaceX प्रोजेक्ट के तहत ऑटोमेटेड ग्रीन हाउस को मंगल तक पहुंचाने की योजना बनाई गई, जिसके लिए बड़ी मात्रा में लॉन्च वाहन और स्पेसशिप की जरूरत थी। लेकिन इस स्पेसशिप को खरीदने में आने वाले खर्च को भांप कर इलॉन ने इससे 10 गुने कम खर्च में ही SpaceX द्वारा पुनर्प्रयोग में लाए जाने वाले लॉन्च वाहन और स्पेसशिप बनाने का फैसला लिया। सन 2002 में SpaceX ने फैल्कन 1 लॉन्च सिस्टम पर काम शुरू कर दिया। इस योजना को हकीकत में बदलने में 4 साल का समय लगा। 2006 में इलॉन ने $100 मिलियन से भी ज्यादा SpaceX प्रोजेक्ट में निवेश किया और वहां से शुरू हुआ रॉकेट लॉन्च टेस्टिंग का सिलसिला। 2006 से 2008 के दौरान SpaceX के रॉकेट लॉन्च के शुरुआती 3 प्रयास फेल रहे, लेकिन इलॉन ने नाकाम कोशिशों के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास में फैल्कन 1 पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने में सफल रहा। अगर इस बार जरा सी भी चूक हो जाती तो SpaceX के बंद होने की नौबत आ जाती। हमेशा की तरह इस बार भी इलॉन ने यह रिस्क लेकर बहुत हिम्मत दिखाई थी और इस बार सफलता ने उनका साथ दिया। उनकी इस उपलब्धि से नासा भी बहुत प्रभावित हुआ और SpaceX के स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ $1.6 बिलियन का करार किया। इसके बाद कई कंपनियों ने SpaceX के प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई और इस तरह इस कंपनी को कई निवेशक मिले। कंपनी अब तक कई रॉकेट निर्माण करके उनको सफलता पूर्वक लॉन्च कर चुकी है और उनके द्वारा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने में कामयाब रही है। $90 मिलियन की निजी संपत्ति दांव पर लगाकर तैयार किया गया फैल्कन हैवी मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी बसाने के अनोखे सपने को पूरा करने की ओर उठाया गया पहला कदम है और अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास तब बना जब 6 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट फैल्कन हैवी को US के फ्लोरिडा शहर में कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। SpaceX और टेस्ला के साथ ही इलॉन वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कंपनियों के अन्य प्रोजेक्ट से भी जुड़े हैं। वह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली सोलरसिटी के चेयरमैन भी हैं। साथ ही वह इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने वाली कंपनी न्यूरा लिंक के सह संस्थापक और CEO भी हैं। इलॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव जाति के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए बनाई गई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी OpenAI के सह संस्थापक और को चेयरमैन भी है। SpaceX और टेस्ला के अलावा इलॉन अन्य कई भविष्यवादी परियोजनाओं से भी जुड़े हैं और उनकी यह सभी परियोजनाएं दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दिसंबर 2016 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई संसार के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में उन्हें 21वां स्थान मिला था। फरवरी 2018 तक उनकी कुल संपत्ति 20.80 अरब डॉलर है
और फोर्ब्स द्वारा उन्हें दुनिया के 53वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे अनोखे सपने देखने वाले और उन्हें सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देने वाले लोग दुनिया में बहुत कम ही हैं। हमें उम्मीद है कि इलोन मस्क की कहानी से आपके अंदर जोश भर गया होगा और आपका विश्वास अपने हाथ की लकीरों को खुद लिखने में पड़ गया होगा। हमेशा याद रखें कि दृढ़ निश्चय, कभी हार न मानने के जज्बे, सच्ची लगन और मेहनत के बलबूते असंभव को भी संभव किया जा सकता है। हमें फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें।